24 अगस्त 2017, उत्तर प्रदेश की पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और वो व्यक्ति नीले लिबास में होता है, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है और वह काली टोपी पहने हुए होता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब उसका शक्ल देखती है तो वो दंग रह जाती है। दरअसल यह एक सजा याफ्ता मुजरिम होता है जो पिछले 32 सालों से पुलिस की गिरफ्त से भागा हुआ होता है और कहीं दूसरे शहर में जाकर मौलाना बन जाता है। मौलाना बनकर वो अपना दुआ ताबीज का धंधा चला रहा होता है। इतना ही नहीं, वो कई औरतों की इज्जत से खिलवाड़ भी कर चुका होता है और वो अपनी जबरदस्ती के बल पर किसी के साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ नहीं करता, बल्कि उस औरत के मर्द ही अपनी औरत को मौलाना के पास लेकर आते थे, जहां वो मौलाना उस औरत से खिलवाड़ करता था। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला की। दोस्तों, मेरा नाम है तहरीक और आप देख रहे हैं तब्बू इंडियन वॉइस। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी, आज की ट्रू स्टोरी है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की। दोस्तों, एक मौलाना होता है, उसका नाम है मौलाना करीम। मौलाना करीम अपने आप को धर्म गुरु बताता है, अपने आप को धर्म का काफ़ी जानकार बताता है और साथ ही साथ वो ताबीज और भूख झाड़ का भी काम कर रहा होता है। इसके अलावा वो अपने आप को हलाला एक्सपर्ट भी बताता है। हलाला एक्सपर्ट क्या होता है, ये आपको हम आगे बताएंगे। दोस्तों, वो मौलाना अपने आप को इतना फेमस कर लेता है कि उसकी पहचान बड़े बड़े शहरों मुंबई, सूरत, कलियार शरीफ, अजमेर शरीफ में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके मुरीद भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और वो मौलाना अपने गुर्गे चमचे के जरिए अपना प्रचार करवाता ही रहता था। मौलाना करीम जिस भी एरिया में जाते, उससे पहले ही वो अपने गुर्गे और चमचे के जरिया अफवाह फैला देते थे कि मौलाना करीम आ रहे हैं। वो काफ़ी पहुँचे हुए मौलाना है, जिनको भी कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, वो उनसे दुआ तावीज़ ले सकते हैं, उनसे फूक झाड़ करवा सकते हैं। मौलाना करीम काफ़ी पहुँचे हुए और काफ़ी अच्छे मौलाना है। वो जो भी दुआ तावीज़ देते हैं वो काफ़ी कारगर होती है। और किसी को फैमिली मैटर है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, किसी को हलाला कराना है, तो वो इस मौलाना से मिले। मौलाना साहब जिसका भी हलाला करते हैं उनका लाइफ सुधर जाता है, फिर आगे उनको कभी ज़िंदगी में कोई अनबन नहीं होती है। उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन काफ़ी अच्छा चलता है और जो कोई भी उस मौलाना से हलाला करवाते हैं उनका जन्नत जाना तय हो जाता है, ऐसा मौलाना साहब अपने बारे में अफवाह फैला देते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हलाला क्या है। आखिर इस कहानी में मौलाना साहब जो अपने आप को हलाला एक्सपर्ट बता रहे हैं, तो ये हलाला होता क्या है, इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम तभी इस बारे में आपको इसके बारे में और आगे कहानी सुना सकते हैं। दोस्तों, अगर हलाला को सिंपल तरीके से बताया जाए, सिंपल भाषा में बताया जाए, तो अगर कोई हस्बैंड या वाइफ है, जैसे कि मान लिया सलीम और रेशमा हस्बैंड वाइफ है, लेकिन दोनों में किसी वजह से तलाक हो जाता है, दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, और ये डाइवोर्स इस्लाम में तलाक के जरिए होता है। जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक बोल देता है 3 बार, तो उसका तलाक हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, अगर दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों फिर से साथ होकर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए इस्लाम में एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का नाम है हलाला। दरअसल अगर अब दोनों फिर से एक साथ रहना चाहते हैं तो उसको पहले हलाला से गुजरना होगा। और ये हलाला ये होता है कि अब आप अगर अपने पहले हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं तो उससे पहले आपको किसी तीसरे से शादी करनी होगी, यानी कि निकाह करना होगा। और सिर्फ निकाह ही नहीं करना होगा, यहाँ पर आपको उस तीसरे मर्द के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाना होगा। आपको जो तीसरे मर्द से जिनसे आपका निकाह हुआ है उनके साथ आपको शारीरिक संबंध भी बनाना होगा। उसके बाद तीसरा जो शख्स है वो आपको तलाक दे देगा, फिर आप अपने पहले हस्बैंड के पास
जा सकते हैं, आप अपने पहले हस्बैंड से निकाह कर सकते हैं। तो ये हलाला का प्रोसेस होता है। अब बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। दोस्तों, अभी भी समाज में बहुत से लोग हैं जो अंधविश्वास को मानते हैं और उनमें जहालत कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसे ही लोगों का ऐसे मौलाना, पाखंडी और ढोंगी लोग फायदा उठाते हैं। ऐसे ही अंधविश्वासी लोग अपनी औरतों को हलाला के नाम पर ऐसे पाखंडी और ढोंगी मौलाना के पास भेज देते हैं और फिर मौलाना उनका फायदा उठाते हैं, उनका शारीरिक फायदा उठाते हैं और जिन्हें ये लोग हलाला का नाम देते हैं। दरअसल किसी भी लोगों को चाहिए कि आप जिन भी मौलाना से संपर्क कर रहे हैं, जिन भी मौलाना से मिल रहे हैं या जिन भी बाबा या ढोंगी से मिल रहे हैं, उनका बैकग्राउंड पता कर ले। लेकिन जहालत भरी इस जहां में लोग बिना कुछ जाने बुझे अपनी औरत को ऐसे ऐसे पाखंडी और ढोंगी मौलानाओं के पास भेज देते हैं जहां उनकी औरतों के साथ बहुत ही गलत काम किया जाता है। ऐसे मौलाना हलाला के नाम पर उनकी औरतों से निकाह करते हैं और फिर रंगरलिया मनाते हैं। और मौलाना करीम अब तक लगभग 45 औरतों के साथ हलाला कर चुका होता है। उनमें से 18 साल से लेकर 50 साल की बीच की महिलाएं होती है जिनके साथ मौलाना करीम हलाला के काम को अंजाम दिया होता है। मौलाना करीम किसी के घर में रहकर हलाला के काम को अंजाम देता तो कभी कभी होटल में इस काम को अंजाम देता। इसके लिए मौलाना करीम अच्छी खासी रकम भी चार्ज करता था और लोग भी खुशी खुशी उनको पैसे दे दिया करते थे। मौलाना करीम जो है काफ़ी होशियार था। वो अगर कोई अच्छी लड़की मिल गई, कोई खूबसूरत लड़की, तो मौलाना करीम इतनी आसानी से उसे तलाक नहीं दे देता था। जब तक मौलाना करीम का जी नहीं भर जाता था तब तक मौलाना करीम उस औरत को यूज करता था। एक महीने, दो महीने, जब उस मौलाना करीम का मन भर जाता था फिर उस औरत को वो तलाक देता था ताकि वो अपने पहले पति के पास जा पाए। तो मौलाना करीम जो है काफ़ी चालू था और वो कई औरतों के साथ ऐसे काम को अंजाम दे चुका होता है। वो इतनी आसानी से किसी औरत को नहीं छोड़ता था। हालांकि हलाला में ऐसा बोला गया है या ऐसा होना चाहिए था कि एक रात के लिए आपके पास आएगी, आपके पास रहेगी और फिर आप अगले दिन उसको तलाक दे दीजिए ताकि वो अपने पुराने पति के पास जा पाए और फिर अपना हस्बैंड और वाइफ का खुशी खुशी रिलेशन, जो खुशी खुशी मैरिड लाइफ बिता पाए। और उस मौलवी के पास हलाला के लिए औरतें कहाँ से आए, इसके लिए मौलवी ने पूरी इंतजाम कर रखा था। दरअसल मौलवी ने अपने गुड़गे और चमचे को हर एरिया में फैला रखा था और लोगों के बीच ऐसी अफवाह फैला रखा था कि मौलाना करीम जो है हलाला एक्सपर्ट है, इनके द्वारा हलाला कराने पर बिल्कुल ही आगे का लाइफ अच्छा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में कोई भी अनबन नहीं होगी और हलाला कराने वाले को जन्नत ही मिलेगा। ऐसी बातें मौलाना के गुर्गे और चमचे समाज में फैलाते थे और जिनको ज़रूरत होती थी वो उनको उनके पास ले जाते थे, मौलाना के पास हलाला के लिए। इसके अलावे भी मौलाना जादू और टोना फूक झाड़ से काफ़ी अच्छी मोटी खासी रकम बना रहा होता है। दोस्तों, मौलाना करीम कोई असली मौलाना नहीं होता, वो एक ढोंगी होता है, पाखंडी होता है। उस मौलाना करीम का असली नाम आफताब होता है और वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला होता है। उसके पड़ोस में ही एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अजमत। मौलाना करीम यानी कि आफताब उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। हत्या के तुरंत बाद ही इलाहाबाद पुलिस उसको वहां से उठाकर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। ये घटना 1981 की है। 1981 में आफताब को जेल में बंद कर दिया जाता है और उस पर केस चलता है। केस में मौलाना करीम यानी आफताब को दोषी पाया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा होती है। इस सजा के खिलाफ आफताब के फैमिली यानी कि मौलाना करीम के फैमिली हाईकोर्ट जाते हैं और लगभग एक साल के बाद ही आफताब की रिहाई हो जाती है, उसको बेल मिल जाता है। आफताब जब जेल से बाहर आता है तो वो दोबारा जेल जाना नहीं चाहता। इसके लिए वह एक साजिश रचता है
उस साजिश के तहत वो इलाहाबाद से कहीं दूर भाग जाता है और उसके घर में भी किसी को पता नहीं होता है कि वो कहाँ गया। आसपास के लोग उससे पूछते हैं कि आफताब कहाँ गया, आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस पर उसके फैमिली वाले बोलते हैं, पता नहीं, हम लोगों ने भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, हम लोगों ने भी उसको बहुत कोशिश किया ढूंढने का, उसको फ़ोन लगाया पर कहीं भी कुछ भी पता नहीं लगा, पता नहीं आफताब कहाँ है, हम लोगों को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उधर आफताब मुंबई में किसी मजार पर जाकर बैठ जाता है और वहीं अपना समय गुजारता है। वहाँ रहने के बाद उसे एक आइडिया आता है कि क्यों न बाबा बन जाया जाए, क्योंकि उसके लिए उसको दाढ़ी बढ़ाना होगा, बाल बढ़ाना होगा, अपना लुक चेंज करना होगा, और लुक चेंज कर लेगा तो फिर कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। ये आइडिया आफताब को काफ़ी पसंद आया और वो ठान लेता है कि वो अब एक बाबा बनेगा। और आफताब को उर्दू की भी अच्छी जानकारी होती है, वो दुआ ताबीज के बारे में भी जान लेता है, साथ ही साथ कुछ मसले मसाइल भी जान लेता है। उसके बाद मजार पर जो भी लोग आते हैं, परेशान होते हैं और अपने मसले मसाइल बताते हैं, तो आफताब उसको दुआ तावीज़ देने लगता है और मसलों का हल बताने लगता है। आफताब के पास अगर 10 लोग आते थे तो उनमें से 2 लोग ठीक हो जाते थे। आपको पता ही होगा, अगर किसी के भी पास जाइएगा तो 10 लोग जाते हैं, अगर आप उसे मिट्टी भी खाने दे दीजिएगा पानी में मिलाकर पीने के लिए, तो 10 में से 2 लोग तो ठीक हो ही जाएगा। उसी तरह से आफताब के साथ भी हुआ, 10 लोगों को दुआ तावीज़ देने में 2 ठीक हो जाता था और वही 2 लोग से बढ़ते बढ़ते आफताब अपना नेटवर्क बना लेता है। आफताब एक मौलाना करीम के नाम से वहाँ जाना जाने लगता है। अब आफताब की पहचान मौलाना करीम के रूप में होने लगती है और जैसे जैसे उसकी पहचान होने लगती है, वो अपने गुर्गे और चमचे बढ़ाता जाता है और उसी गुर्गे और चमचे के जरिए आफताब यानी मौलाना करीम समाज में या गांव में ये अफवाह फैला देता है कि मौलाना करीम काफ़ी पहुँचे हुए मौलाना है और उनके द्वारा दुआ तावीज़ जो भी करवाता है वो काफ़ी सक्सेस होता है। आफताब के द्वारा दुआ तावीज़ काफ़ी कारगर होता है। इतना ही नहीं, आफताब ये भी फैला देता है कि आफताब यानी मौलाना करीम हलाला एक्सपर्ट है। जिनको भी फैमिली मैटर है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, हलाला की नौबत आ गई है, तो वो मौलाना करीम से मिले। मौलाना करीम किसी का भी हलाला करते हैं तो वो काफ़ी सक्सेस होता है और उसके बाद किसी भी फैमिली में कोई भी अनबन नहीं आती है। और मौलाना करीम के जरिए हलाला कराने पर औरतों को जन्नत मिलेगी। इसके साथ ही साथ आफताब का झाड़ फूक का भी धंधा खूब चल रहा होता है। मौलाना करीम काफ़ी पैसे बना रहे होते हैं। धीरे धीरे मौलाना करीम के अंधभक्तों की, मुरीदों की संख्या बढ़ती गई। फिर वो जहाँ भी जाता उसको कोई ना कोई पहचानने वाला मिल ही जाता था। इस तरह से मौलाना करीम की पहचान काफ़ी जगह हो गई। उसकी पहचान मुंबई, सूरत, कल्याण शरीफ और अजमेर शरीफ में भी अच्छी खासी होने लगी। अब मौलाना करीम अपने आप को हलाला एक्सपर्ट बताने लगा और उसकी पहचान भी हलाला एक्सपर्ट के तौर पर होने लगी। वो जहाँ भी जाता तो उसको लोग हलाला एक्सपर्ट के नाम से ही जानते हैं। हलाला एक्सपर्ट मौलाना करीम, अगर किसी को हलाला करवाना है तो वो मौलाना करीम से ज़रूर कांटेक्ट करे। इस तरह से मौलाना करीम ने लगभग 45 औरतों के साथ हलाला का मजा लिया, यानी कि 45 औरतों के साथ 45 औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया। 24 अगस्त 2017 को मौलाना करीम उत्तर प्रदेश के पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है और फिर वो अपनी सारी गलती, अपनी सारी गुनाह कबूल कर लेता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको दोबारा जेल के पीछे भेज देती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि आप ऐसे ही किसी भी मौलाना, किसी भी मौलवी, किसी भी पंडित या किसी भी पाखंडी या ढोंगी के चक्कर में ना आए। आपको चाहिए कि पहले आप उस मौलाना, उस पाखंडी के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जान ले, फिर उसके बाद ही आगे कुछ भी डिसाइड करें। ऐसे ही किसी भी मौलवी मौलाना के चक्कर में, पाखंडी के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको पता लगता है कि ये मौलाना, ये मौलवी या पंडित या बाबा ढोंगी है तो आप उससे दूर ही रहे तो आपके लिए अच्छा होगा।
तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो शायद आपके पास मेरी अगली वीडियो ना पहुंच पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।